हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आप लोग पढ़ रहे होंगे अध्याय नंबर तीसरा, प्रश्नावली 3.3। तो पढ़ा दें, पहले आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रश्न वाली 3.3 मैंने आपको कुछ बताई भी थी, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको 6 नंबर तक बताया था, आज 7 नंबर बताना है। देखिए 6 के बाद लिखा हुआ है 7 नंबर, आप देख सकते हैं, ठीक। 7 नंबर लिखा हुआ है, टेन इनवर्स थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 8 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। कॉस एक्स बराबर -1/2, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे स्थान में चतुर्थांश में स्थित है, कॉट एक्स बराबर 3/4, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, सेक एक्स बराबर 13/5, एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, टेन एक्स बराबर -5/12, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बताता हूँ, ये देखिए आपकी बुक पे पास आ गया, आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आपको लिखने चाहूंगा, यहाँ पे LHS लिखूंगा, प्रूविंग करना है यहाँ पे हमको। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा, ठीक। तो जी हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा कॉट थीटा होता है, दिया जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, अब इसको हम ओपन कर लेंगे किसमें, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम क्या, यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो टोटल बटे आ जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो जी आ जाएंगे हमारे, अब इसको ले सकते हैं क्या, जी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे बटे में लिखा हुआ है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इस पे फार्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस बी, तो याद आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल बटे आ जाएगा हमारा कॉस का थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब ये देखिए आ गया, तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस जी हो जाएगा 1 और जी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा, टोटल बटे आ जाएगा कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर सॉरी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी हमारा क्या, यही तो मिलाना था, क्या लाना था, अब देखो यहां से हमें यही प्रूविंग करके लाना था, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे यह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा RHS, यहाँ लिख लेंगे। अतः LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ, ठीक। जी हो गया आपका हेंस प्रूफ हो गया, जी हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब आपको हम बता रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, कोशिश करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कॉस एक्स बराबर माइनस का 1/2, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है,
ठीक है। ठीक, अब साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कॉट एक्स बराबर 3/4, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। सेक एक्स बराबर 13/5, एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। टेन एक्स बराबर -5/12, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है जी, हमको आपको सोल्यूशन करना है। देखिए, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स बराबर -1/2। ठीक, तो जी हमको दिया है। ठीक, और गिवन में हमको क्या दिया है, उसने दिया है हमको, यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या एक्स जो है हमारा कौन से स्थान में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है हमारा। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं साइन, अब देखिए इसके 4, 6, 5 और बताना है। तो साइन एक्स बराबर होता है हमारा √1 का कॉस स्क्वायर एक्स, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे जिस इम्प्लाइड दैट, तो अंडर रूट आ जाएगा 1 का कॉस एक्स का मान लिखा -1/2 का होल स्क्वायर, जिस इम्प्लाइड दैट क्योंकि जगह ना होने की वजह से यहाँ पे आपको एक साथ लिखा है 1/4। ठीक, तो 1/4 आ गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 4 -1/4, यह जाएंगे √3/4। तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स का मान आ जाएगा ± के √3/2। अरे देखिए, साइन एक्स का मान √3/2 आ गया, लेकिन साइन एक्स पे आप जानते हैं क्या, जो हमारा साइन एक्स होता है वो कौन सा होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है हमारा। क्या होता है, कौन सा साइन होता है, तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स हमारा। ठीक है, तो यह आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होता है तो यहां लिख लेंगे अतः अतः हम धनात्मक क्या चिन्ह जो होता है यहां से क्या छोड़ देते हैं। तो जी आ जाएगा हमारा क्या, साइन एक्स बराबर आ जाएगा -√3/2। देखिए, साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टेन एक्स का मान निकाल सकते हैं। टेन एक्स बराबर होता है हमारा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो जी आ जाएगा हमारा साइन एक्स का मान √3/2, कॉस एक्स का मान -1/2। तो 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, तो बचेगा टेन एक्स का मान हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √3। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, कॉट एक्स। कॉट एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/10x। तो जी आ जाएगा 1/ हमारा √3। ठीक, जब जी आ गया तो अब देखिए यहीं पे आपको पूरा क्वेश्चन बताने बता रहा हूँ, इस बेस से यहाँ पे आपको जगह निकाल के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, तो साइन कॉस टेन और कॉट आ गया, तो हमें सेक चाहिए, तो सेक एक्स बराबर होता है 1/ हमारा कॉस एक्स। तो 1/cos x की जगह रख लेंगे कॉस एक्स का मान -1/2, तो सेक एक्स बराबर आ जाएगा हमारा -2। ठीक, जब सेक एक्स का -2 आ जाएगा, तो यहां से अब लिख लेंगे क्या, कॉस एक्स बराबर होता है 1/ हमारा साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का मान रखेंगे, तो 1/sin का मान होता है माइनस का हमारा आए √3/2, तो ऊपर चला जाए तो जा जाएगा कॉस एक्स बराबर आ जाएगा हमारा -2/√3, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर सवाल कंप्लीट। आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा, कोशिश किए होंगे लगाने की, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लगाना है कौन सा, इसके आगे जो क्वेश्चन दिया सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया, साइन एक्स बराबर 3/5, तो यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो कॉट एक्स बराबर 3/4, तो यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सेक एक्स बराबर 13/5, यक्स चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ऐसे ही आपको लगाना है। अब आपको ये पता कैसे करना है, तृतीय और चतुर्थ और दूसरे, तो हमने आपको एक कोऑर्डिनेट बताए थे, वहां पे हमने साइन कोस साइन और कोसेक और टेन बताए थे कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। आपको देखना है चतुर्थ दूसरे तीसरे स्थान पे हमारा साइन कॉस क्या साइन का होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने इसको नेगेटिव ले लिया है।
आप दूसरे चतुर्थांश में देखिएगा साइन हमारा क्या होता है, साइन ही का मान दिया तो कॉस देखेंगे, दूसरे चतुर्थांश में कॉस हमारा क्या निगेटिव होता है तो कॉस आ जाएगा निगेटिव, तो धनात्मक चिन्ह छोड़ देंगे, कॉस का मान हम निगेटिव ले लेंगे। तो ऐसे आप लोगों को वहां से देखना है, चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा सेकक जो होता है वो क्या होता है वो भी देख लेना, देखते जाइएगा और लगाते जाइएगा। बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी जो आपको चार क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी हो गई समाप्त, ठीक है। तो एक्सरसाइज समाप्त होने के साथ साथ आप लोग कोशिश करते रहिएगा लगाने की, तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपको पहुंच जाएगी, तो आप उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, हैप्पी जर्नी, बाय बाय।